हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज, टाइम हो चुका है 8 o'clock का और अभी जस्ट मुस्कान आई है। गाइज, आज हुआ ये कि आज मैं उठी हूँ 6:30 बजे और वत्सल की चली गई है बस छूट गई आज उसकी। गाइज, तो गाइज हस्बैंड छोड़ के आए हैं वत्सल को स्कूल और अभी जस्ट आए हैं, मतलब 7:30 या 7:40 आए हैं हस्बैंड और मुस्कान जस्ट आई है काम करने के लिए। आज मैं जैसे तैसे उठी भागी, इतना प्यारा मौसम है ना, नींद आ गई मुझे बहुत ज़्यादा। और नींद आने के बाद क्या, अलार्म बोली 5 बजे, 5:10 पे बोली, मैं बंद करके बस 2 मिनट को की अभी उठ रही हूँ और सीधे गाइस 1 घंटे बाद आँख खुली मेरी, मतलब मैं होपलेस। वत्सल को नीचे जल्दी से उतारा, वत्सल जल्दी भाग, वत्सल बोला सोने दो मम्मी, मन की बेटा आज तो बस छूट गई, वत्सल भी भागने लगा फिर फटाफट। लेकिन बस तो जानी ही थी क्योंकि मेरी 6:25 पाँच खुली थी और 6:30 नीचे बस आ जाती है। फिर उसको आलू वाले आलू के पराठे बना के दिए, मैगी वैगी थी जो मैं जल्दी बना सकती थी और उसका था एग्जाम, वरना तो मैं स्कूल से उसको रोक लेती। गाइस, इस लड़के को देखो, अभी आके इसने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मतलब 1 घंटा हो गया और देखो गाइस 12:30 हो गए हैं और 12 o'clock आ गया है और इस कोको ने पूरे घर की हालत इतनी गंदी कर दी है यार, इतनी गंदी। मैंने डॉक्टर से बात की इतनी देर में, वत्सल ले और देखो एक विंडो खोल दी गाइस, देखो किस तरह से आ रहा है और बिल्कुल जोकर बना हुआ है, बिल्कुल कच्चे पैंटी में मोगली बना हुआ है, बिल्कुल देख रहे हो गाइस, ये देखो लो। और यहाँ से यहाँ चढ़ रहा है, मतलब इसने पूरा घर अव्यवस्थित कर दिया है। मतलब मेरे को सुबह के 7 बजे से लेके कंटिन्यू 11-12 बजे तक मैं घर की साफ सफाई में लगी रहती हूँ, जो वत्सल ने बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है आतों के साथ। और तो वत्सल को अब लगेगी डांट। तो गाइस, टाइम हो चुका है 1 o'clock का और मैं धोने जा रही हूँ कपड़े, और कपड़े धोने के लिए मैंने डाल दिए पूरे किचन में देखिएगा, और यहीं से पाइप लगा हुआ है और वत्सल खा रहा है अभी अनार और कोको बैठा है खाने के लिए, इसका भूख लग रही है, मुझे लग रहा है 1 बजे के आसपास खाता है ना। तो गाइस, यहाँ से किचन से लगाती हूँ मैं पानी और ये जाता है बाहर मेरी मशीन में लगने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी का फ्लो बहुत कम है। और ये कपड़े डाल लेती हूँ मैं यहीं पे, तो इधर मेरी रोटी बनती रहेंगी, उधर मेरे कपड़े चलते रहेंगे, तो हार्डली 1:30-2 बजे तक हमारा काम हो जाएगा, फिर मैं करूँगी वीडियो एडिट, तो तब तक कर लेती हूँ अभी ये वाला काम मैं। सो गाइस, इसलिए कपड़े मैं आज धो रही हूँ क्योंकि कल है सैटरडे और सैटरडे को हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है और वत्सल के भी ऑफ होता है, तो काम पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी तो वत्सल टीवी देख रहा है, इतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और कल मैं थोड़ा फ्री रहूँगी और वत्सल का जो EVS का एग्ज़ाम है मंडे, तो उसकी प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से करवा पाऊँगी, इसलिए मैं कपड़े आज ही धुल रही हूँ गाइस। तो गाइस, कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में, कुछ कपड़े रह गए यहाँ और कुछ डाल दिए चलने के लिए, और अभी बना रही हूँ मैं वत्सल के लिए और अपने लिए रोटियाँ, 1 बज चुका है गाइस। तो गाइस, यहाँ कर दिए मैंने रोटियाँ बनानी स्टार्ट, और रोटियाँ बहुत ही कम बनेंगी, 2 रोटी वत्सल की बनेंगी और 2-3 रोटी मेरी, और 1-2 रोटी खाएगा कोको छाछ के साथ। इसे दोपहर में दूंगी मैं रोटी क्योंकि उसको बहुत पसंद है रोटियाँ खानी, बहुत ज़्यादा मन से खाता है, बहुत खुश हो जाता है रोटी खा के। रोटी खाए बिना ना गाइस ये बैठ जाता है, बिल्कुल किचन के गेट के पास ही बैठ जाता है, और रोटी खा लेगा तो खुश हो के अंदर जाके सो जाएगा हमारे साथ, और दोपहर में हमारे साथ सोता है, जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो बाहर आ जाता है। और ये सब्जी मैं गरम कर रही हूँ दोपहर, जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी इसको गरम कर लूँगी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, और अभी खाएंगे हम चटकारे मार के, वत्सल खाएगा दही के साथ और मैं लूँगी छाछ या रायता बना लूँगी उसका। आज 1:40 हो गई हैं और 1:40 हो गई और मैं कर रही हूँ अभी लंच और मेरे कपड़े धुल रहे हैं मशीन में। तो गाइस, ये लंच में बनाया शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रोटी एंड छाछ। तो गाइस, आप भी करिएगा लंच प्यारा प्यारा सा। और इधर चल रहे हैं मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े, 1 बार के तो धुल चुके हैं और दूसरी बार के जो पड़े वो मैंने मशीन में डाल दिए, इसको गलत रख मैं 2:15 तक फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं 1 से 1.5 घंटा सोऊंगी और फिर वीडियो एडिट करूँगी, फिर वत्सल को उठाऊँगी, पता नहीं आज पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, बट उस शाम को हमको 6:30 के आसपास जाना है आज डॉक्टर के यहाँ, इसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पहले फिलिंग कराई थी तो शायद वो फिलिंग निकल गई है जाड़ के अंदर वाली, और तो बस वही दिखा के आना है आज मुझे, तो उसके लिए मुझे जाना होगा ऑटो या फिर कैब करके, उधर से हस्बैंड के साथ आ जाऊँगी। तो गाइस, कपड़े धो चुके हैं और मैं सुखाने जा रही हूँ अभी कपड़े, और मौसम तो हो रहा है बारिश का, अभी देखती हूँ बारिश नहीं आ रही होगी, अंदर वाले तार पर डालूंगी वरना तो भीग ही जाएंगे गाइस। तो गाइस, वैसे तो बारिश का मौसम है बट फिर भी कपड़े मुझे धुलने ही पड़ते क्योंकि आज नहीं तो कल धुलने ही थे, तो कल से अच्छा मैंने आज ही धुल दी, और अंदर वाले तार पे ना मैं डाल दूंगी इसको, नहीं तो बाहर सारे गीले हो जाएंगे, बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम है और वेदर तो ऐसा हो गया जैसे अक्टूबर में ठंड होती है ना, वैसी ठंडक हो गई है, पता नहीं कपड़े भी कैसे सूखेंगे मुझे नहीं पता, बट मैंने धो दिए हैं।
तो गाइस संस्कृति तो है नहीं, तो मैं वत्सल और इसके पापा के कपड़े हैं, लेकिन कपड़े भी 2-3 दिन में मतलब मशीन चलानी पड़ती है। पहले नहीं होता था, पहले वीकली एक बार चलती थी, लेकिन आजकल बहुत कपड़े गंदे हो रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वत्सल भी जाता है, तो ड्रेस वगैरह भी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े तो वैसे भी डेली मैं हाथ से ही धो देती हूँ, तो दिक्कत नहीं होती। और जो सूखे कपड़े हैं वो मैं अंदर रख दूंगी, और आके अभी देखूंगी शाम तक तो सूखने का कोई चांस ही नहीं लग रहा। तो गाइस ये कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, जो व्हाइट कलर के हैं सारे, पहले मैंने वो ही धुले थे। अभी मैं बड़े मेरे जो कलरफुल कपड़े हैं वो सुखाऊंगी मैं अंदर वाले तार पे, क्योंकि बाहर है बारिश का मौसम और बाहर वाले तार पे हो जाएंगे गीले। और चलते हैं अभी कपड़े लेने गाइस। और संस्कृति नहीं है घर में, तो घर खाली खाली हो गया। वत्सल तो बस टीवी देखता रहता है, इसका काम ही क्या है। और इसके एग्ज़ाम वाले दिन ही मतलब बहुत टेंशन हो जाती है, इसको पहले से ही पढ़ाना पड़ेगा। आज तो नहीं पढ़ा पाऊँगी मैं, क्योंकि आज तो मुझे डॉक्टर के जाना है। तो गाइस दोपहर का बज चुका है 2:30, और फाइनली 2:30 बज गया है। मैं तो सोच रही थी 2 बजे तक काम नहीं उठेगा, बट नहीं, 2:30 बज चुका है। और अभी बेडशीट लगा दी है, वत्सल कर रहा है अभी सोने की तैयारी। तो गाइस 1 घंटा लगभग मैं भी आराम करूंगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, रात में लेट सोना होता है, तो मैं प्रॉपर रेस्ट करती हूँ, वरना तो मेरी आंखें झप 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 बंद होने लग जाती हैं। और शाम को जाएंगे हम डॉक्टर के यहाँ, और फ्लैट थोड़ा सा काम भी कराना है वर्कर्स को, वो दिखाना है। तो जाते समय मैं दिखा के और फिर डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, ऑटो करके जाऊँगी। और उसी में वो लेबर जो है वो भी कह रहे थे कि हम भी पहुँच जाएंगे मैडम। मैंने कहा वहाँ अकेले क्या जाना, मतलब मेरा ऑटो जा रहा है तो अलग से पैसे उनको देने पड़ते, तो मैं अपने ऑटो में ही आगे बैठा के उनको ले जाऊंगी, लेबर पूरा आगे बैठ के चले जाएगा, एक है या दो है जो भी हैं, तो हम एक ही ऑटो से चले जाएंगे, मैं ऑटो कर लूँगी। लेकिन फिर वो बेचारे मजदूर घूमते अपने 10-20 रुपये खर्च करते, तो मेरे ऑटो में बैठ के चले जाएंगे, और वो अपना फ्लैट पर जो काम होगा वो देख लेंगे, समझ में आता तो करा लूँगी, नहीं तो कोई और देखेंगे। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं सोने, उसके बाद कब लोग मैं आगे दिखाऊंगी। और वत्सल कर रहा है टांग उल्टी, उल्टी पुल्टी कर रहा है, उल्टी पुल्टी करके खाना खा के अभी इस करेंगे सोने की तैयारी। और वत्सल तुरंत आंखें बंद करो और तुरंत लेट जाओ, क्योंकि ईवीएस का एक चैप्टर याद करना है आज, ठीक है। तो गाइस टाइम हो चुका है 5:00 का, और 4:30 में उठ गई थी सो के, थोड़ी देर को सो गई थी, और फिर थोड़ी सी एडिटिंग की है, और वत्सल जस्ट अभी सो रहा है, उसको उठाती हूँ। तो गाइस बनाती हूँ अभी चाय और वत्सल को उठा देती हूँ। वत्सल उठो बेटा, सोना जल्दी उठ जा, गुड्डा सा। तो गाइस उठ जा। तो गाइस वेदर इतना प्यारा है, मतलब कोको कोको करा था मैंने, कोको ही आ गई गुड़िया सी, क्यूट सी आ गई, क्यूट सी बच्ची, नींद में कैसी लग रही है देखो गाइस, नींद कैसे आ रही है, सो जाओ, नहीं सो जाओ तुम, गर्मी में क्यों सो रहा है बेटा, हाँ ले मेरे बच्चा, सो जाओ। तो गाइस अभी बना रही हूँ मैं चाय, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा है गाइस, तो अभी चाय पियेंगे। वत्सल को भी एक पराठा बनाऊंगी, आलू रखा हुआ है, उसका आलू का पराठा खाएगा, उसको बहुत पसंद है, वरना 8 बजे तक बहुत भूख लगाई है। पता नहीं बाहर हम लोग डिनर करके आएंगे या फिर घर आके करेंगे, ये नहीं पता है अभी, लेकिन अभी चाय पी लेती हूँ मैं थोड़ी सी। तो गाइस चाय हो गई बन के रेडी, और गर्मा गर्म चाय आपके लिए भी, और शाम के बज रहे बज चुके हैं 5:15, और कोको की देखो गाइस मस्ती है, ओहो, और कोकी तो मस्ती कर रही है, गुड़िया तो मस्ती कर रही है। और तो गाइस वत्सल के लिए बन गया यमी यमी पराठा, देखिएगा मलाई रखी है, सोच रखी है, खाएगा वत्सल जमा, बहुत अच्छा लगता है मतलब पराठा। और इसको देखो लड्डू गोपाल है। तो गाइस कोको की हाइट वत्सल से भी ज्यादा है, ऐसा लगता है ऊपर पैर रख लेते तो वत्सल भी हल्का लगता है, हाँ लगभग वत्सल जितनी है। सो गाइस आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।